अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मुन्ना भाई का कल मैं गई थी, वो तो मिले नहीं थे, कल दुकान बंद करके चले गए थे वो। तो अभी उनका फ़ोन आया है, दो तीन बार आ चुका है, मैं काम कर रही थी, थोड़ा बिजी थी, तो कहने लगे जल्दी से कपड़े दे जाओ, एक दो दिन में सी देंगे वो, क्योंकि एक दो दिन में शादी है, मुझे शादी में पहनने हैं शादी के हिसाब से। तो फटाफट उनके पास जाती हूँ, कपड़े दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कहाँ रखो मोबाइल, चाय बन रही है मेरी नहीं अम्मी की बन रही है, पीकी चाय, और इनकी चाय बनाने के बाद मैं अपनी चाय बनाऊँगी हमेशा की तरह मीठी चाय। और बस लहसुन छील रही थी खड़ू भी, अम्मी की तबीयत अभी सही हुई नहीं है फ्रेंड्स, बस तो चल रही है कहानी जैसी भी चल रही है उनकी। अभी मतलब एक दिन की तो दवा खाई है, दवाई में जादू तो होता नहीं है कि फटाक से खाओ सही हो जाओ, तो अभी एक दो दिन तो उनको, दो तीन दिन तो उनको लग जाएंगे सही होने में। तो मैं इस बात से लेकर टेंशन हूँ ये ना, मसाला हाँ जी जी आज अम्मी बना रही है पनीर, पनीर की ना पनीर और मटर खाली पनीर बना रही है। मैं ये सोच रही थी मैं कि गर्मी आ रही है और अभी भयंकर गर्मी आएंगी, मैं सोच रही हूँ ब्लॉग बनाऊंगी कैसे, पूरा दिन सन्नाटा, बाज़ार जा नहीं सकते, दोपहर में निकल नहीं सकते, अम्मी के घर पे आओ बातचीत करने के लिए, तो यहाँ तो खाना खा के सब सो जाते हैं, शाम में उठते मैं तो टेंशन ले रही हूँ कि अल्लाह मुझे ब्लॉग बनाना है कैसे भी करके, और बनाऊँ तो बनाऊँगी कैसे, यहाँ पर गर्मी हो मैं बिल्कुल निकलता ही नहीं है। और इनकी तो इन सब की आदत है, ये लोग दोपहर में खाना वाना खा के सो जाते हैं, शाम को उठते हैं 4 बजे। मेरा काम कैसे चलेगा इस बात की मुझे टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा आप बताइए, पापा पिंगे पिंगे तीस का डाली कितने ज़्यादा मीठी से साइड मेरे पापा गुड़ मिठाई जलेबी शीर खुरमा है लड्डू सब चीज़ खाते हैं, सिर्फ चाय पी के पीते हैं बस, उसमें उनको परहेज बस उसमें परहेज करते हैं, फीकी चाय पीते, बाकी सब तो मीठा खाते, पता नहीं कैसा कैसा परहेज है इनका। मैं खाला कहीं नहीं आ रही, अरे पर्स खा लो थोड़ी सेफ्टी की, अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, खुश रहो अहले चमन, क्या बोलते अहले चमन, अहले चमन, अच्छा खुश रहो अहले चमन सुमा, ये दुआएं हमारी, बड़े लोगों की दुआ मिलना जरूरी होता है काला, और दुआ से सबका काम आसान होते हैं, मुश्किलें दूर होती हैं। मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, अल्लाह तुझे बहुत दे। हाँ बेटा, अम्मा अच्छी लग रही है आज फुलवारी नहीं अच्छा लगता है कलर भी अंगूरी गुड्डो, दादी अम्मी की गोद में है, क्या हो रहा है दादी अम्मी की गोद में, सपने में बैठ के बात कर रहे हैं कपड़ों की, लेडीजों के पास बात ही क्या रहती है, कपड़ों की बात रहती है, तो किसके कपड़े अच्छे निकले किसके बुरे निकले वही बात कर रहे हैं। नहीं नहीं कह रहे थे मुन्ना भी जो कह रहे हैं, ये सारे 600 वाला सूट है ना, ये अच्छा 500 वाले कपड़े अच्छा नहीं, चलो कंगा लियो छुट्टियाँ करवा लो, ये कल ही करवाऊंगी, कल करवा लो, कला करवा लो, मेहंदी वेंदी लगवा लेना, पैरों में मैंने लगाई नहीं है ना, इतने हर साल लगाती है, हाँ वो केमिकलों की मेहंदी है आजकल, हाँ कौन है वो, तो मुझे अच्छे लगे, तो जारी मेहंदी अच्छी लगे, लगवा लेना, तो हवा अच्छी चल रही है फ्रेंड्स, अच्छी में शाम के वक्त रोज मौसम चेंज हो रहा है ना अम्मी, अब कूलर भी नहीं चलाया मैंने कल, ऐसी सोई, हाँ कमरे में ठंडा था, चादर ओढ़ के सोए हम लोग, हम सब लोग का प्लान
प्लान बनाया है, हम लोग सब लोग खाने जा रहे हैं पानी पूरी। पानी पूरी मतलब अचानक सब छत पे बैठ हुए थे तो मैं भाभी को बोली, भाभी चलो चलते हैं कुछ खा के आते हैं बाहर, क्योंकि हम लोग ईद पे भी कहीं नहीं गए थे और इनकी भी ना एक दो दिन तबीयत खराब चल रही है, तो मेरे की ऐसा ना थोड़ा सा घूम फिर के आ जाते हैं। इनकी अम्मी भी आई हैं, साजिदा की अम्मी आई हैं, मेरी थोड़ा सा क्या है तो अच्छा लग जाता है, सब घर में तो रहती हैं, मेरी थोड़ा सा क्या चेंज हो जाएगा। तो ये सोच के हम लोग सब लोग सिर्फ पानी पूरी खाना है, जो भी खाएंगे खा लेंगे वो आप देख लेना। तो सब साथ में थोड़ा इन्जॉय करने के हिसाब से सब जाते जा रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। ये देखो ये खाला आ रही हैं, इनकी अम्मी भी आ रही हैं। और हम लोगों ने सर्दियों में प्लान बनाया था साथ में जाने का, लेकिन जब नहीं गई, लेकिन अब जा रहे हैं। चलो पीना मतलब जो पानी पूरी बन रही है सबने खा ली है, हालांकि आइसक्रीम चल रही है खा ली उन्होंने आइसक्रीम। तुमने क्या खाया? कौन आइसक्रीम खाई है? मैंने कुछ नहीं खाया। क्या तो जो चीज़ें खा लेती, डर लगा रहता है एसिडिटी वाले को, कुछ नुकसान भी हो जाए। तो इन्होंने कुछ नहीं खाया, बेचारे ने आइसक्रीम खाई है, बाकी हम लोगों ने पानी पूरी वगैरह खा ली है, अम्मी के लिए पैक करवा लिया है और भाभी उधर मोमोज खा रही है, दिखाती हूँ आपको। हो गए खाली है? चलो भैया इनके मोमोज हो गए। अम्मी और पापा तो नहीं गए थे, अम्मी की तबीयत सही नहीं थी तो मम्मी के लिए घर पे ला दी थी मैंने पानी पूरी, और पापा के लिए भी लाई थी मैं। पापा पानी पूरी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं पापा को ये बोल रही थी, पापा ये तुम्हारे ब्लॉग ना, ये पापा मेरे हाथरस के, तो मैं पापा को बोल रही थी पापा तुमको हाथरस वाले भी रोज़ देखते हैं। पापा की कैसे, पापा को पता नहीं है ना ऐसे वीडियो के बारे में, पापा वीडियो के जरिए तुमको लोग हाथरस में भी देखते हैं। तो वो भी सब बात कर रही थी मैं और पापा, एंजॉय कर रहे थे पानी पूरी, पापा को बहुत पसंद है। अम्मी भी खा रही थी, अम्मी ने खा लिया था, देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मस्त खा रहे हैं। अल्लाह आ गई फ्रेंड्स घर पर, खाना नहीं खाया मैंने, खाना मैं पैक करके लेके आ गई थी क्योंकि पानी पूरी वगैरह खा ली थी ना तो उससे पेट थोड़ा हैवी हो गया था। मैं थोड़ा खाना लेके आ गई हूँ, मैं कि अगर भूख लगेगी रात में मुझे तो मैं खा लूँगी, बाल मेरे कैसे चंपू से हो रहे हैं पता नहीं क्यों। तो घर कुछ नहीं, वो सब अच्छा लगा था, सब लोग साथ में गए थे ना, मैं सब मैं ही लेके गई थी, मैं कि चलो सब साथ में चलते हैं, घर पे बैठूँ एक दूसरे का शक्ल देख रहा है अच्छा है, मैं कि चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं, कुछ खा पी के आ जाएंगे। तो सबको साथ में लेके गई थी, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया, खाए पिए मस्त, मैं एकदम से राउंड लग गया बाहर का, और हवा भी चल रही थी, अच्छा भी लग रहा था, गर्मी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अरे हाय अल्लाह इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, आराम से अच्छे मौसम था, तो हम लोग घूम के आ गए। और साथ नहा रहा है, मैं कि सुबह स्कूल है इसका, तो मैं कि तू सुबह टाइम नहीं मिलता है तो अभी नहा ले, नहा के खाना खा के सो जाएगा। और अम्मी की तबीयत अपडेट दे देती हूँ, अम्मी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, पहले से बेटर है एकदम। तो देखो कोई तबीयत में, मैं पहली बोली दवाई जादू तो करती नहीं है, टाइम असर करने में थोड़ा टाइम लेती है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कल तक वो एक दो दिन में अच्छी हो जाएंगी, पहले से बेटर है, मैं चलो आपको बता देती हूँ। और दूसरा कुछ नहीं फ्रेंड, अच्छा मैं ना एक चीज़ और आजकल मैं लोगों में देखने लग गई हूँ, ये आजकल जब लोगों का काम चलने लगता है या लोग थोड़े से तरक्की करने लगते हैं, पता नहीं कि उनके नेचर में उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। क्यों क्यों चेंजेस आ जाते हैं आप बताओ? मैं खुद मैं तो, अब मैं पानी पूरी वाले हो भैया हो गए या कोई भी दुकानदार हो गया, कोई कपड़े वाला हो गया, उनका नेचर अच्छा रहता है या अपन तभी तो उनके पास जाते हैं। देखो दुनिया में कपड़ों की चप्पल की खाने पीने की होटलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपन ना एक इंसान से जब इंसान का इंसान से व्यवहार उसका या नेचर बोलो अच्छा लगता है तो अपन क्या करते हैं सब माइंड में अरे वहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं ऐसा सोचते हैं। लेकिन आजकल मैं खुद देखती हूँ, आज जब हम पानी पूरी खा के आए ना, काका की आदत चाचा की आदत इतनी अच्छी थी, अंकल की आदत बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी ना हम लोग उनके मैं नोटिस करती हूँ तो मैं बोल रही हूँ एकदम चेंजिंग आ गया, एकदम से है ना घमंड वाली बातें करते हैं, अरे नहीं नहीं ये इतने का ही नहीं ले लो, नहीं ये इतने का नहीं मिलेगा, या मतलब
हमको बोलते हैं पानी पूरी पैक कर दो कर दो अंकल, पहले 20 रुपए की पानी पूरी, 30 रुपए की पानी पूरी अगर आपको खानी है पैक करवा लो, वो बांध दे देते। अब तो मना कर देते, बोलते नहीं 50 रुपए की लेनी है तो लो वरना पैक नहीं करेंगे। मतलब मैं भी, मैं कि अंकल आप इतना चेंज हो गए, करे हाँ वक्त दुनिया बदल रही है। मैं दुनिया बदल रही है, बदलने का मतलब होता है कि इंसान तरक्की करे, उसको इंसान अपना वेवर में तरक्की करे, वो मतलब नहीं है आप चेंज हो रहे हो, मतलब आपका वेवर खराब हो रहा है, आपका जो नेचर है वो खराब हो रहा है। अंकल मैं तो मुँह पे बोल दी, मेरे को बुरी लगने वाली बात तो थी नहीं, मैं मुझे खराब लगा। मैं कि अंकल अगर आप इस तरह से नेचर आपका रहेगा ना, मैंने कि आपके पास कोई नहीं आएगा, मैंने कि खाने पीने की दुकानों की कोई कमी नहीं आ रही के अंदर, हम कहीं भी जाकर पैसा दे रहे हैं ना, हम कहीं भी खा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि आपको हम पहले बहुत टाइम से जानते हैं, एक टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं, आपका नेचर अच्छा है। मैंने कि आपका नेचर ही बदल जाएगा, आप इतनी घमंड भरी की बातें करोगे तो हम तो ना पागल है जो पैसे देके भी आपसे आड़ी तड़ी बातें सुने। दुकान तो 50,000 है। मेरी अंकल ऐसा नहीं चलता, मेरी दुनिया बदल रही है तो दुनिया बदल रही है मतलब दुनिया तरक्की करे, दुनिया अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा सुधार लाए, अपने आप को आगे ले जाए और कामयाब हो, अपने पहनने ओढ़ने में थोड़ा सा चेंजिंग लाए, उसको समझ में आता है वो इंसान चेंज हो रहा है। आप तो अपना पूरा नेचर ही बदल रहे हो, आप तो बोलने का ढंग, आपका जो टोन है वो ही बदल रहे हो। मुझे तो बहुत खराब लगा फ्रेंड, और मुझे जो चीज़ खराब लगती है मैं तो मुँह पे बोल देती हूँ, नहीं अंकल आपका नेचर अच्छा नहीं है, आप इस तरह से दुकानदारी करोगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा। इंसान के पास सब जगह दुकानदार लेके बैठे हैं, दुकान हम लोग पैसा दे के आपके पास आ रहे हैं, तो कोई आप हम पे एहसान नहीं कर रहे, हम आप एहसान नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपका नेचर इस तरह से रहेगा, हम लोग पैसे दे के भी ऐसा लगेगा आप हम पे एहसान कर रहे हो, हमको खिला के हमको एहसान कर रहे हो। तो मैंने कहा अंकल 50,000 दुकानें पड़ी हुई है, आप अपना नेचर सुधार लो। चुप हो गए, कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको पता था कि वो गलत है। फिर मैं ज़्यादा कुछ बोली नहीं, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो फालतू में हंगामा हो जाएगा, मेरी आदत पता, मेरे पता नहीं क्यों फ्रेंड बहुत जल्दी गुस्सा आया था गलत बात पे, तो बहुत जल्दी फिर मैं जगह नहीं देखती हूँ, फिर मैं ये नहीं देखती दिन है कि रात है कि लोग क्या करेंगे लोग क्या कहेंगे, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कह देती हूँ, वो मैंने कह दिया। बाकी भैया वो अगर उनको थोड़ा सा भी लगेगा कि हाँ पब्लिक अगर मुझे ऐसा बोल रही है तो शायद वो पहले जैसे होने की कोशिश करेंगे। अब चलो अच्छी बात है, आप कामयाब हो रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, आप तरक्की कर रहे हो, इतनी पब्लिक आपके पास खाने पीने के लिए आती है, तो तरक्की करने का मतलब ये तो ना कि आप सामने वाले बंदे जो आपके पास आ रहे हैं आप उनसे गलत तरीके से बात करो, मतलब गलत तरीके से, मतलब गलत टोन में, थोड़ा सा प्राउडीपन होता है ना, थोड़ा घमंड बना आ जाता है बातों में, वैसे बात करो भैया मेरे तो अच्छा लगा नहीं फ्रेंड, मैंने तो बोल दिया। बाकी इनको वो उनको लगेगा कि कोई कस्टमर उनको ऐसा बोल रहा है तो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं चीज़ में फ्रेंड में बोलूँगी, ये चीज़ मैंने काफ़ी जगह देखी है, लोग जरा से पैसा कमाने लग जाते हैं या थोड़ा सा ऊपर वाला उन पर मेहरबान होता है तो वो अपने नेचर को बदल लेते हैं। आप अपने नेचर को मत बदलो फ्रेंड, तो सब प्यार मोहब्बत से रहो, अच्छे से बोलो, कोई घमंड की बातें नहीं है, सबके पास पैसा, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई किसी का मोहताज नहीं है। ऊपर वाला अगर तुमको नवाज रहा है तो तुम उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ, सामने वाले से अच्छे से व्यवहार से आप बात करो, ठीक है, अच्छे से रहो, अच्छे से रहोगे तो आपको याद करेंगे, आपको पैसों से कोई आपको याद नहीं करेगा, आपको नेचर से याद करेंगे। पैसों से फ्रेंड कोई अपना नहीं बनता, नेचर से आदत से इंसान अपना बनता है, ठीक है। कोई भूखा नंगा नहीं है, सब अपने घर में पहन रहे हैं ओढ़ रहे हैं, कोई महंगा पहन रहा है तो कोई सस्ता पहनना, कोई महंगा खाना खा रहा है तो कोई सस्ता खाना खा रहा है, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब घूम रहे हैं, सब अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेचर से इंसान को इंसान याद करता है, अच्छे लोग को अच्छी बातों से याद कराया जाता है, बुरे लोगों को बुरे बातों से याद कराया जाता है। मुझे तो जो ठीक लगता है मैं तो बोल देती हूँ भैया, बाकी ये बस थोड़ा सा देखती हूँ, लोग बहुत जल्दी आजकल पैसा आती है, बहुत जल्दी बदल जाते हैं। बदलो थोड़े से, अपने आप में सुधार लाओ, अपने आप को ग्रूमिंग करो, अपनी फैमिली पर चेंज करो, चलो घर अगर आपका ऐसा है ये थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हो करो, लेकिन अपने नेचर को मत चेंज करो। आप प्यार मोहब्बत से रहते हो वैसे ही रहो, किसी बस थोड़ा सा घमंड वाली बातें किसी को ऐसी बातें मत करो, सामने वाले को बुरा लग जाए फ्रेंड्स, बस जब वो देना जानता है ना वो लेना भी जानता है, पैसा उसने दिया है, इज्जत उसने नवाजी है, तो आप उसके बंदों से ही आप गलत तरीके से बात करोगे और अपने उसके पैसे दिए हुए को आप घमंड करोगे तो फिर आने में टाइम लगता है पैसा, लेकिन जाने में टाइम नहीं लगता फ्रेंड, इतना याद रखना, बस यही है। चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ में, साथ नहा के बाहर आ गया है, साथ बेटा पाउडर लगा ले अच्छा लगेगा, रात में पाउडर लगा के सोएगा ना अच्छा लगेगा, वो खाना खाएगा फिर वो सो जाएगा, होमवर्क तो उसने कर लिया है, फिर कल मिलती हूँ, कल भी अम्मी के घर पर जाऊँगी, एक दो दिन तो मेरे वहीं कटने वाले क्योंकि थोड़ा सा चल रहा है अभी हंसी मजाक वाला मूड चल रहा है घर के अंदर, जब तक चल रहा है चला रहा है, नहीं चलेगा तो अपने घर वो अपने घर, ठीक है ना। आश्रम मत का साथ प्लीज़, साथ नहा के देखते साथ नहा के निकला अभी मत का, फिर थोड़ा सा खाना खा ले, ठीक है, ये बाहर भूल जाएगी फ्रीजर में रखिए।
पाउडर लगा ले पहले बदन में, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर खाना खा ले, उसके बाद मजे से आइसक्रीम खा ली। नहा के निकला, आइसक्रीम खाने जा रहा है, बाल पता नहीं क्यों चंपूज हो रहे हैं। चलो फ्रेंड, ये बातें चलती रहेंगी, इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ में मिलती हूँ। जब तक की लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा चैनल शाइना खान डेली ब्लॉग, और घमंड नहीं करना, चाहे कितनी भी दौलत आ जाए फ्रेंड्स, अपने नेचर को कभी नहीं बदलना, कभी नहीं बदलना फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।